हेलो दोस्तों, ये उषा मशीन है, ओल्ड उषा मशीन। तो आज मैं इसकी कुछ जानकारी आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना। ये जो मशीन है ये धागा तोड़ रही है और सुई भी तोड़ रही है मशीन। तो आज मैं आपको इसकी सुई तोड़ना और धागा सही करना बताता हूँ कि क्यों सुई तोड़ रही है मशीन। और वीडियो में बने रहिए आखिर तक। ये उषा मशीन है और इसकी चाल के बारे में बताऊँगा, चाल हमें कितनी बड़ी रखनी चाहिए। तो ये सुई तोड़ रही थी, तो सबसे पहले हमें इसका ये टाइमिंग देखना है। इसमें ये किले दिख रही होगी आपको, तो ये किले दिख रही है डोंगी की, रुक सटल के बीच में, ये ऊपर भी, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो सबसे पहले हमें ये किले खत्म करनी है। ये किले खत्म होगी तो गैप कम होगा इसमें। ये गैप आया कम, तो थोड़ा सा और करते हैं अभी। अब इसका ये कैरियर हो गया अच्छे से सेट, क्योंकि ये मशीन सुई तोड़ रही थी तो हमें इसके सुई के बारे में जानकारी देनी है। ये मैंने इसकी नाल कस दी, क्योंकि हमारी ये सबसे पहले सेटिंग यहाँ पे सही होनी चाहिए। तो ये सेटिंग हमारी इसकी अच्छे से सेट है। अब उसके बाद हमें इसका ये टाइमिंग देखना चाहिए। तो ये जो हमारी टाइमिंग है, तो इसका क्या है, ये सुई शटल से बहुत आगे जा रही है, तो इसको मैं करता हूँ सही। तो मैंने इसमें हथौड़ी लगाई। अब इसकी ये टाइमिंग सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग रही थी तो उसके बाद ये सुई तोड़ रही थी मशीन। अब ये सुई इससे शटल से लग रही है, इसको इस तरीके से थोड़ा दूर करो, ये दूर हो गई इससे। ये दूर हो गई, इसमें थोड़ा ऑयल डालो, ये सूखा ऑक्सीटन सूखा नहीं रहना चाहिए। तो इसकी ये हो गई। अब तो मैंने इसमें एक दो चोटें मारी हैं, तो इसकी चुटकी को थोड़ा टाइट कर लो, कहीं सुई ना गिर जाए ढीली होकर। ये हो गई। अब इसमें जरा सी पिले इसके लिंक में, तो हम इसको थोड़ा लिंक टाइट करते हैं। ये पेच होता है यहाँ पे लिंक का, ये पेच होता है इसका यहाँ पे, इसको टाइट कर दो। तो इससे क्या है, इसकी पिले ख़त्म हो गई। ये हल्का सी इसमें ऐठ आ रही है या ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा सा ढीला कर दो बस। ये हो गई। और ये सुई तोड़ रही थी तो इसका गज ज़्यादा बाहर था, तो इसकी हम पटरी की भी सेटिंग देखते हैं, पटरी के सुराग में कैसे जा रही थी। तो ये यहाँ तक तो सेटिंग सही हो गई इसकी, उसके बाद ये पटरी पे भी आ रही थी सुई, तो ये हमने इसे ऐसे रखी। अब ये क्या है कि सुई हमारी पटरी के बीचा बीच में आ रही है, ये जो इसका सुराग है, और जब तक सुराग में बीचा बीच में नहीं आएगी तब तक सुई मशीन सुई तोड़ना बंद नहीं करेगी। तो ये हमारी पटरी भी अब अच्छे से फिट हो गई। तो मैं इसके पेच टाइट करता हूँ दोनों पटरी के, उसके बाद इसमें बूट लगाऊँगा। ये मैंने इसमें कर दी, तो इसके ये बीचा बीच में आ रही है। अब क्या कि ये सुई नहीं तोड़ेगी मशीन, इसको थोड़ा सा एक चोट मार दिया। तो अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। अब इसका ये दूध है, थोड़ा सा साफ करता हूँ, तो बूट खराब है, इसमें दूसरा बूट डालेंगे। जो ये बूट होता है ना, ये पत्ती का होता है और ये होता है भारी, तो ये बूट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे मशीन में बहुत सारी कमियां आती हैं सिलाई करने में, कपड़े पर सिकुड़न आती है, दबाव नहीं अच्छे से लगती। अब क्या कर, मैंने इसमें इसका बूट लगा दिया। अब इसके ये जो मत्था है इसको लगाओ, क्योंकि तो हमने इस मशीन में जो कमी थी सुई तोड़ने की, वो हमने इसमें सही कर दी। तो अब क्या है कि ये टेंशन खोलो, ये टेंशन इसका खुल गया, सारा सामान निकल गया। इसमें जो ये वो स्प्रिंग, इसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि इससे बहुत सारी दिक्कत आती है।
मैं इसका जो टेंशन था वो सही कर रहा हूँ। ये थाली लगा दी मैंने, उसके बाद इसकी मैं ये स्प्रिंग लगा दूँ। स्प्रिंग छोटी, अभी इसे बड़ी कैसे करें, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ो दोनों हाथों से और इसे खींच दो, तो ये बड़ी हो गई। और इसका ये कस दो इसमें, अब ये हो गया। अब इसमें मैं डिब्बी डालता हूँ और इसकी सिलाई चेक करूँगा। इसमें क्या, ये डिब्बी ऐसे पकड़ो और ऐसे इसमें लगा दो, डिब्बी बन गई, इसका धागा पड़ गया। क्योंकि ये मशीन सुई तोड़ रही थी तो इसकी सुई तोड़ने का हमने काम दिखाया आज वीडियो में। सही हो गई। अब इसने फंदा भी पकड़ा एक बार में, अब इसकी सिलाई चेक करते हैं। ये मैंने इसमें कपड़ा लगाया, ये मशीन सुई तोड़ रही थी तो मैंने इसकी सुई तोड़ना बंद कर दी। कितनी अच्छी सिलाई दे रही है ये मशीन। अब ये तो ऊपर की सिलाई थी और ये इसके नीचे की सिलाई है, कितनी साफ अच्छी सिलाई आ रही है। अब ये मशीन कभी सुई नहीं तोड़ेगी, ये फर्स्ट क्लास हो गई मशीन भैया। ये कभी सुई तो नहीं तोड़ेगी, अब ये सुई नहीं तोड़ेगी, मैंने सही कर दी है अच्छे से। और ये उषा मशीन थी ओल्ड। और आगे से मेरी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके ब्रो।